मुल्क में कोरोना से मजीद 74 अफराद के जहां बाग होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद इस वबा से जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 11,450 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 41,285 टेस्ट किए गए, जिसके बाद इस वायरस की तशखीस के लिए किए गए टेस्टों की तादाद 70,64,114 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1,563 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में इस वबा का शिकार अफराद की मजमूई तादाद 5,37,470 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 2,081 मरीज सेहत याब हुए हैं। एहतसाब अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स फ्राहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के एडमन जज जवादुल हसन ने 3 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि शहबाज शरीफ के जाती मौलिज प्रोफेसर आरफ खान, प्रोफेसर अकील बारी और प्रोफेसर ताहिर नसर को शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त के मुताबिक ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के मरीज हैं। लिगी रहनुमा को मेडिकल रिपोर्ट्स फ्राहम करना कानूनी हक है। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की कानून के मुताबिक नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने माली मुश्किलात के बावजूद क्याम अमन के लिए फंड में $25,000 अतिया करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अहद दुनिया में क्याम अमन के लिए काबिशों के लिए हमारी मदद जारी रखने के अजम को जाहिर करता है। शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहदा के क्याम अमन फंड के लिए कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि क्याम अमन के लिए पाकिस्तानी दस्तों ने दुनिया के 4 बड़े आजमों में 46 से ज्यादा अमन मिशन में हिस्सा लिया। क्याम अमन के बुनियादी असूल नेशनल ऑनरशिप को बरकरार रखना चाहिए। इसी असूल के मुताबिक क्याम अमन फंड की सरमायाकारी के तमाम फैसलों का तयन होना चाहिए। अक्वाम में पायदार अमन बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग को धचका। वज़ीरे आला पंजाब से फोर अब्बास से लीगी रुकन असम्बली मोहम्मद अरशद ने मुलाकात में उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA मोहम्मद अरशद ने पहली दफ़ा वज़ीरे आला पंजाब से मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने मोहम्मद अरशद को हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई और मौका पर ही अहकाम जारी किए। इस मौका पर वज़ीरे आला पंजाब का कहना था कि अराकीन पंजाब असम्बली मेरे दस्ते बाजू हैं, उन्हें इस तो एहतराम देंगे। अवामी नुमाइंदों के मसाइल को जाती समझ कर हल करता हूँ। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मुंतखब नुमाइंदों के हल्कों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इसराइली आर्मी चीफ ने आइंदा साल ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए नए मंसूबे तैयार करने की हदायत कर दी और साथ ही आइंदा साल ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारियों का हुक्म भी दे दिया है। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। ईरान के पास एटम बम बनाने की सलाहियत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इसराइली आर्मी चीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन इंतजामिया को भी खबरदार कर दिया है कि 2015 की ईरान डील में दोबारा शामिल ना हो जाए।